तो दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट यहाँ पे 200% इसका सोल्यूशन बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने पहले एक वीडियो डाली थी उस पर दोस्तों यहाँ पे 1 लाख के आसपास व्यूज आ चुके हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो में हम J2K डिवाइस में 100% 200% यहाँ पे वर्किंग ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस इस फोन को कोई भी वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट कर लेना है, और गाइस उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नीचे जो वो बटन है ना, होम बटन, बेसिकली गाइस इसको 3 बार दबाना है, देख सकते हो गाइस 1 2 3। और गाइस सिंपली यहाँ पे टाल हुआ एक सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाती है, यानी उससे होता क्या है गाइस यहाँ पे 2 टैप से, मतलब 2 उंगली से काम करेगा, डबल टैप पे यहाँ पे क्लिक होएगा, वो तो आपको पता ही होगा। इसी गाइस सिंपली यहाँ पे एल शेप बनाना है कुछ इस प्रकार से, और गाइस सिंपली यहाँ पे लास्ट थर्ड नंबर पे टाल हुआ एक सेटिंग, बेसिकली गाइस यहाँ पे इस प्रकार से आपको सिंपली इस पर ही टैप करना है, तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पे सेटिंग निकल जाती है। दोस्तों यहाँ पे 2 फिंगर से अप की तरफ लेके आना है, मतलब दोस्तों 2 फिंगर से ही चलेगा, वो तो आपको पता ही है। सिंपली दोस्तों नीचे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आपको ढूंढना है, एंड दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट सेकंड यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी हमें मिल चुका है। सिंपली गाइस इसके ऊपर ओके करना है। याद रहे दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ब्राउजर आपको क्रोम ही सिलेक्ट करना है, एंड क्रोम ब्राउजर पर आपको चले आना है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्रोम नहीं आ रहा तो फिर से आपको हार्ड रीसेट लगाना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है सिंपली यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और साइन इन के लिए बोल रहे तो यहाँ पे सिंपली नो थैंक्स कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्रोम खुल चुका है। अब गाइस सिंपली आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंपली गाइस आपको साइट पे जाना है, यहाँ पे ऐड रोम, बेसिकली गाइस सबसे पहले आपको टालकबैक सेटिंग है इसको ऑफ कर देना है। उसी प्रकार से गाइस सिंपली एंड दोस्तों 3 बार आपको होम बटन दबाना है, 1 2 3, और गाइस जो भी आपकी टालकबैक सेटिंग है यहाँ पे बंद हो जाएगी, देख सकते हो गाइस। तो गाइस टाल वाइज साइड में यहाँ पे ऑफ हो चुकी है। अब गाइस सिंपली मैं लिखता हूँ ऐड रोम, सिंपली गाइस यहाँ पे ऐड रोम बाईपास आपको लिख लेना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। अब गाइस पहली ही साइट पे आपको ओके करना है, यानी दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहली साइट से आपका काम हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉयड 5, बेसिकली गाइस ये गूगल मतलब अकाउंट मैनेजर होता है, गूगल अकाउंट मैनेजर। सिंपली गाइस ये हो चुका है, अब गाइस सिंपली यहाँ पे ओके। अब गाइस सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ओपन कर लेते हैं। अब गाइस ये बोलेगा भैया अननोन सोर्सेस, मतलब सेटिंग पे जाकर जो आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो ना, उसी प्रकार से दोस्तों अननोन सोर्सेस की यहाँ पे परमिशन दे देनी है, और ये एप्लीकेशन डाउनलोड मतलब इंस्टॉल कर देना है। सिंपली गाइस देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और गाइस याद रहे ये एप्लीकेशन यहाँ पे डन हो जाना चाहिए। सिंपली मैं दिखा देता हूँ, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे डन हो चुका है, मतलब इंस्टॉल हो जाना चाहिए, तो गाइस हो चुका है। अब गाइस सिंपली डाउनलोड करना है गूगल, मतलब ये FRP बाईपास। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम FRP बाईपास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, सिंपली ओपन हो गया। उसी प्रकार से सेटिंग पे जाकर इसकी जो भी परमिशन है अननोन सोर्सेज की परमिशन को ऑन कर देना है, और इसको इंस्टॉल कर देना है। बेसिकली गाइस इस एप्लीकेशन को आपको ओपन ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम ओपन कर देते हैं, देख सकते हो गाइस सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब गाइस सिंपली इस प्रकार से आपको पॉपअप देखने को सिंपली गाइस उसी यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, ब्राउजर साइन इन पे जाना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, और गाइस यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे पेज हमारा लोड हो रहा है, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, वो अकाउंट आपके मोबाइल में आपके J2K के मोबाइल में यहाँ पे सेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपली दोस्तों हम ईमेल आईडी डाल दी है, गाइस जो भी आपका पासवर्ड है आप नई भी ईमेल आईडी बना सकते हो, या फिर कस्टमर की भी डाल सकते हो, मतलब आप पे ही डिपेंड है, आप बाद में इसको रिमूव कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट ऐड हो जाता है कुछ इस प्रकार से, मतलब सिस्टम यहाँ पे बैक मार देगा, और गाइस आपको बैक बटन दबाते रहना है, या फिर दोस्तों आप फोन को मतलब यहाँ पे रिबूट कर सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ वेलकम। अब गाइस सिंपली मैं छोटा मोटा यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ, और गाइस आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये अकाउंट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाली घंटी को नहीं दबाया तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे अकाउंट ऐड, बेसिकली गाइस यही जो फॉर्मेट है यहाँ पे सिंपली टाइम जो भी है यहाँ पे नेक्स्ट हम करते रहते हैं सेटअप, इसका करते रहते हैं स्किप, और यहाँ पे गाइस सिंपली नेक्स्ट जो भी यहाँ पे करना है दोस्तों आपको करते रहना है, और गाइस आपका जो अकाउंट है ऐड हो जाएगा। सिंपली दोस्तों सारी प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे, तो इजीली वीडियो कंप्लीट देखें। दोस्तों अब यहाँ पे जो प्रोसेस है यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको FRP जो बाईपास है एप्लीकेशन। सिंपली गाइस इस प्रकार से जो एप्लीकेशन आप इसको रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इंस्टॉल कर सकते हो, और गाइस इस प्रकार से होगा। अब गाइस यहाँ पे सेटिंग पे जाकर के अकाउंट वाले सेक्शन पे जाकर, अगर दोस्तों आप कस्टमर नहीं हो, मतलब दोस्तों कस्टम जो रिटेलर वगैरह मतलब दुकानदार है, उसके लिए दोस्तों ये प्रोसेस है, सिंपली अकाउंट को रिमूव कर देना है, और गाइस आपका फोन यहाँ पे रेडी। धन्यवाद दोस्तों।